हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने एचआईवी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, यानी एड्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम यह सामने जो फिगर जो दिख रहा है ना, वो एचआईवी का स्ट्रक्चर है। उसके पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं आप लोग को एचआईवी के बारे में, कि एचआईवी का जो मेडिसिन जो खोज किए थे लक मॉन्टेग्नियर, एचआईवी का भी खोज किए थे यह, कि यह एचआईवी जो है यानी एड्स वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। और यह अफ्रीका में 1960 में अफ्रीका में देखा गया था कि यह डिजीज मंकी से ह्यूमन में पास किया है, यानी मंकी टू ह्यूमन, बंदर से मनुष्य के अंदर यह डिजीज पास हुआ था। यह कब आइडेंटिफाई किया गया? 1960 में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एचआईवी का जो ह्यूमन के पास पहुंचा है वो मंकी से ही पहुंचा है। और कहां पर पहुंचा था? सबसे पहले अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में पहुंचा था सबसे पहले मंकी से ह्यूमन के पास। लेकिन एचआईवी का पहला पेशेंट मिला था यूएसए में, कौन कीजिएगा, यूएसए मिला था, लेकिन मंकी से ही ह्यूमन के पास ट्रांसफर हुआ है एचआईवी 1960 में। और ये कहां हुआ था? अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका को ना कैपिटल ऑफ एड्स के नाम से जानते हैं, कैपिटल ऑफ एड्स। पता है कि ये आपका एचआईवी जो है एक रेट्रो वायरस होता है। तो देख लीजिए इसका एचआईवी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए पहले आप। तो आप लोग ने इस एचआईवी का स्ट्रक्चर को ध्यान से देख चुके हैं आप लोग। तो यह एचआईवी जो है ना, यह राउंडेड या स्फेरिकल शेप का होता है, राउंडेड या स्फेरिकल शेप का होता है एचआईवी। और इसका लगभग डायमीटर 90 से 120 नैनोमीटर मेजर किया गया है, यानी इसका साइज 90 to 120 नैनोमीटर होता है। देखिए यार ध्यान से, एचआईवी में जो टाइबी में, इस एचआईवी में आप लोग जो देख रहे हैं, गौर कीजिएगा कि चारों ओर का ये लेयर, चारों ओर का जो लेयर जो आप लोग जो देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए जरा यहां पे कि यह खास करके इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ना, प्रोटीन लेयर से घिरा होता है। ये प्रोटीन लेयर आपका है, ये प्रोटीन लेयर है, यानी प्रोटीन का कोटिंग है, ये भी प्रोटीन का कोटिंग है, ये दोनों प्रोटीन का कोटिंग से घिरा होता है यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और इसमें टू आइडेंटिकल फिलामेंट्स,
टू आइडेंटिकल फिलामेंट्स मौजूद होते हैं किसके साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। यानी ये जो डबल आप जो देख रहे हैं जो दो फिलामेंट्स है वह कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है लेकिन टू फिलामेंट जो होते हैं इस यह फिलामेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के साथ रहता है। साथ ही यार देखिए कि चारों ओर कई प्रोजेक्शन निकला हुआ है आउटसाइड की ओर, ये जो अम्ब्रेला लाइक जो देख रही है प्रोजेक्शन, इस अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं या अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर जो नो इसको हम स्पाइक कहते हैं और नाम पैराग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक क्योंकि इसमें इसमें ग्लाइको प्लस प्रोटीन से बना होता है, ग्लाइको प्लस प्रोटीन से बना होता है। यानी अच्छा फिर देखिए आप दूसरा ये जो सुन रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये दोनों फिलामेंट्स है जिसके साथ क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, गौर कीजिएगा। और चारों ओर जो देख रहे हैं एक प्रोजेक्शन निकला हुआ एक अम्ब्रेला की तरफ बाहर की ओर क्राउन की ओर निकला हुआ, क्राउन की तरफ निकला हुआ है ये क्राउन की तरफ, इसका नाम क्या पड़ता स्पाइक और यह बना होता है ग्लाइको प्रोटीन से बना होता है आपका एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस जो है इसमें लिपिड मेम्ब्रेन भी होता है और यह लिपिड मेम्ब्रेन होस्ट सेल से बनाता है, ठीक है, ये लिपिड मेम्ब्रेन बाद में या लिपिड मेम्ब्रेन ही बाहर में प्रोजेक्ट होकर ना ये बन जाता है आपको स्पाइक जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है। अब देखिए गौर कीजिए कि ये जो वायरस जो है यह वायरस यानी एचआईवी सबसे पहले इन्फेक्शन करेगा फिर मनुष्य के अंदर जाता है और यही एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना यही जो है डीएनए को आरएनए में ट्रांसफर करने में यह हेल्प करता है। यानी यह ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो ट्रांसफर करने में क्या करता है हेल्प करता है। यह ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ही क्या है डीएनए फ्रॉम आरएनए यानी डीएनए फ्रॉम आरएनए डीएनए फ्रॉम आरएनए यानी ट्रांसफर करने का ये काम करता है। अब देखिए इस वायरस के बारे में आप लोग ने इतने सारे बातें देख चुके हैं तो एड्स के काउजेटिव एजेंट देखिए काउजेटिव एजेंट वैसे तो अमेरिका में अमेरिकन इसको क्या कहा गया एससीएलवी थर्ड कहा गया यानी इसका पूरा नाम क्या होता है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, लेकिन ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस एड्स का जो काउजेटिव एजेंट होता है वह अमेरिकन इसको कोड अमेरिका में यानी अमेरिकन इसको कोडिंग किया गया एससीएलवी थर्ड इसका नाम होता है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, लेकिन लेकिन अब यह इसका नया नाम क्या हो चुका है इसी वायरस का नया नाम हो चुका है एचआईवी जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसी एससीएलवी का नया नाम क्या हो चुका है ह्यूमन इम्यूनो